नमस्कार दोस्तों, पीएलसी आरडीएचएम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ आज पशुधन सहायक के दूसरे मॉडल पेपर की। तो दोस्तों, जो भी दोस्त अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो पहले सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे दोस्तों क्या है, जो भी मैं आप वीडियो बनाऊँ उसको आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर भी करें, लाइक। तो आइए चलते हैं आज के पहले मॉडल सेकंड मॉडल पेपर की बात करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पेशियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन, जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जोड़ों के अध्ययन को आर्थ्रोलॉजी कहा जाता है। आगे वाले पैर का हिस्सा जो खड़ी अवस्था में जमीन को छूता है उसे कहते हैं प्लेमर। और अगला क्वेश्चन, अस्थि की मध्य गुहा जिसे वायु या द्रव भरा रहता है उसे कहते हैं सीनियस। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नील नॉलवर उसका ने किया था। अगला क्वेश्चन, माइक्रोग्राफिया पुस्तक किसकी है? तो माइक्रोग्राफिया पुस्तक रॉबर्ट हुक की है। अगला क्वेश्चन, यूकेरियोलिटिक कोशिका में कोशिका का सूत्र विन्यास होता है, तो इसका सूत्र विन्यास 9+2 होता है। अगला क्वेश्चन, सबसे लंबी कोशिका जिराफ की तंत्रिका कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन, तरल मोजेक मॉडल किसने दिया? तो तरल मोजेक मॉडल सिंगल शिगर वन नीला निकालसन ने दिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतःपरद्वीय जालिका कितने प्रकार की होती है? तो अंतःपरद्वीय जालिका दो प्रकार की होती है। और अगला क्वेश्चन है, गोल्जी इकाई का निर्माण करती है? तो गोल्जी इकाई निर्माण करती है ईआर का। और अगला क्वेश्चन, कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। अगला, शुक्राणु में एक क्रोसोम का निर्माण करता है गोल्जी इकाई। और अगला है, सर्वप्रथम माइटोकांड्रिया नाम दिया सी बेंडा ने। अगला, कोशिका का शक्ति ग्रह पावर हाउस कहते हैं माइटोकांड्रिया को। अगला क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन की कितनी अवस्थाएं बांटा जा सकता है? तो समसूत्री विभाजन 6 अवस्था में बांटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या समान रखने में सहायक है अर्धसूत्र विभाजन। और अगला क्वेश्चन है, कपाली अस्थियों में ऑक्टिपिटल की संख्या होती है? तो इसमें 1 होती है। ओसरोस्ट्रियन अस्थि पाई जाती है? तो यह सुअर में पाई जाती है। अगला, प्रथम गुरुआ कशेरुका है? तो एटलस प्रथम गुरुआ कशेरुका है। और अगला क्वेश्चन है, त्रिक कशेरुकाएँ कितनी होती है? तो यह 5 होती है। और अगला क्वेश्चन, पाइगो स्टाइल किस में होता है? तो पाइगो स्टाइल मुर्गे में होता है। अगला है, घोड़े में कुल कितनी पसलियाँ होती है? तो घोड़े के अंदर 18 पसलियाँ होती है। और मुर्गे में कितने जोड़ी पसलियाँ होती है? तो इसमें 7 जोड़ी पसलियाँ होती है। अगला, स्केपुला अस्थि का बना होता है? तो स्केपुला अस्थि का कंधा बना होता है। और अगला क्वेश्चन है, एक्रोमियर पर्वत किस में अनुपस्थित होते हैं? तो घोड़े के अंदर अनुपस्थित होते हैं। जिन भी दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा ले, क्योंकि मैं काफ़ी सारी वीडियो पशुधन सहायक के बारे में बनाऊंगा, रोज़ का एक वीडियो आपके सामने होगा। तो दोस्तों, ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, शेयर करे, जिससे मुझे भी एनर्जी मिले। अगला क्वेश्चन है, किस में ह्यूमरस में न्यूमेटिकल फोरामेन पाया जाता है? तो इसका आंसर है मुर्ग। अगला, घोड़े में कार्पल्स में कितनी हड्डियाँ होती है? तो घोड़े के कार्पल्स में 7 हड्डियाँ होती है। अगला क्वेश्चन है, कॉनन बोन किससे कहते हैं? तो यह मेटाकार्पस में मेटाटार्सस को कहते हैं। और अगला, मुर्गे में इलियम और ईशियम के बीच एक अतिरिक्त छिद्र होता है उसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं इलियम चिटिक्च। और अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी व लंबी अस्थि कौन सी होती है? शरीर की सबसे लंबी और बड़ी अस्थि फीमर होती है। अगला है, शरीर की सबसे बड़ी सेस्मोइड अस्थि कौन सी होती है? तो सेस्मोइड अस्थि पटेला होता है। अगला क्वेश्चन है, पटेला चतुष्कोणीय किस पशु में होता है? तो यह घोड़े के अंदर होता है। अगला है, मुर्ग की शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो यह टीबिया है। और अगला क्वेश्चन है, टीबिया फीमर के साथ कौन सा ज्वाइंट बनाती है? तो यह सिटीफिल ज्वाइंट बनाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अस्थि अवशेष अस्थि होती है? तो यह फिबुला अस्थि होती है। अगला है, टार्सल अस्थियाँ कितनी होती है? तो तथा कितनी पंक्तियाँ होती है? तो यह 5 टार्सल अस्थि होती है, 2 पंक्तियाँ होती है। मेटाटार्सल अस्थि भ्रूणीय अवस्था में कितनी संख्या होती है? तो यह 5 होती है।
अगला क्वेश्चन, मेटाटार्सल अस्थि भ्रूण अवस्था में कितनी संख्या में होती है? तो यह 5 होती है। अगला है, उत्तक कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाते हैं? तो उत्तक 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाते हैं। अगला, शरीर का 30% भाग किस उत्तक का बना होता है? संयोजी उत्तक का बना होता है। अगला है, सफाई कर्मी कोशिका किसे कहते हैं? तो मैक्रोफेजेज को कहते हैं। एंटीबायोटिक का निर्माण करता है, तो लिम्फोसाइट करता है इसका निर्माण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके केंद्रक में क्रोमेटिन पदार्थ बैल गाड़ियों के पहियों की तिल्लियों के समान वितरित होता है? तो यह प्लाज्मा कोशिका है। अगला है, मेरिनो भेड़ की पूंछ से इसका स्तर होता है, तो श्वेत वसीय होता है। अगला है, अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिका को कहते हैं? तो ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं इसे। दो क्रमागत मैट्रिक्स में कौन से पदार्थ लवण होते हैं? तो यह ओसिन है। और अगला क्वेश्चन है, दो क्रमागत जेड लाइन के बीच की दूरी को कहा जाता है? तो स्कारमियर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आँखों की पेशियाँ होती है? तो आँखों की पेशियाँ अरेखित व चिकनी होती है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण तंत्रिका उत्तक को कार्य प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? इसे 3 भागों में बांटा जाता है। अगला क्वेश्चन, जिस स्थान से एक्सोन साइटोन या कोशिका काई से निकलता है उसे कहते हैं? तो हीलांक बिंदु कहते हैं। अगला है, मुर्गे में ह्यूमरस होती है? तो वायु कोशीय अस्थि होती है। और अगला है, घोड़े के एक थन में कितने नाल पाई जाती है? तो घोड़े के एक थन में 2 नाल पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सार्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो यह शुक्रजन नलिका में पाई जाती है। और अगला है, शरीर के अनुपयोगी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहते हैं। गोवंश के दाएं फाफड़े में कितनी पालिया होती है? तो 4 होती है। लैग्रहेंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो अग्नाशय में पाई जाती है। अगला है, सबसे बड़ी नलिका विहीन ग्रंथियाँ कौन सी होती है? तो कौन सी, यह पलिया। और अगला है, असियानुमा पलिहा किस प्राणी में पाई जाती है? तो यह घोड़े में पाई जाती है। लाल रुधिर कोशिकाओं की कपर ग्रह किसको कहा जाता है? तो इसे पलिहा कहते हैं। और कौन से प्राणी में श्वसन नली की वलय पूर्ण होती है? तो यह मुर्गे में होती है। और अगला है, ग्रसनी की गुहा में कुल कितने छिद्र पाए जाते हैं? तो 7 छिद्र पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी जरूर दबा लें। और अगला क्वेश्चन है, ब्रूनियर ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? तो छोटी आंत में पाई जाती है। मुर्गे में कैक्यूएम की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। और अगला है, गोवंश का ऊँट के में क्रमशः कुल कितने दांत पाए जाते हैं? तो गोवंश में 32 और ऊँट के अंदर 34 दांत पाए जाते हैं। अगला है, कालाजात अस्थियों का निर्माण कौन करता है? तो यह त्वचा करता है। शरीर का महत्वपूर्ण जटिल व सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो यह त्वचा होती है। गोवंश के एक पैर में कुल कितने टार्सल बोन्स पाई जाती है? तो 5 होती है। श्वास श्वसन कोशिकाएं कौन से तंत्र में पाई जाती है? तंत्रिका तंत्र में पाई जाती है। और अगला है, सबसे बड़ी लसिका वाहिनी कौन सी है? तो यह थोरेसिक डक्ट है। और अगला है, आरएमसी का पूरा नाम क्या है? तो ये इसका रेट मार्बल कार्बरल होता है। और अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज डी डुब्बे ने की थी। शरीर की सबसे बड़ी रक्त शिरा वाहिनी कौन सी होती है? पोस्टीरियर वेना कावा, जो ऊँट में पाई जाती है। और अगला, अधिकांश शिराएं धमनियां की क्या होती है? तो यह सैटेलाइट होती है। और अगला है, रेना आर्टरी कौन से अंग को रक्त आपूर्ति करती है? तो वक्र को आप रक्त आपूर्ति करती है। अगला है, सर्किल ऑफ विलिस कहाँ पाया जाता है? यह मस्तिष्क में पाया जाता है। अगला, अंडाकार हृदय किस में पाया जाता है? तो यह कुत्ता के अंदर पाया जाता है। गोवंश में हृदय का कुल भार शरीर का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो यह 0.4 से 0.5% होता है। अगला है, बाइसिपिटल खांच कौन सी अस्थि में पाई जाती है? यह ह्यूमरस में पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन है, ग्यूटरल पंच कौन से प्राणी में पाया जाता है? तो यह घोड़े के अंदर पाया जाता है। और अगला है, मुर्गे में स्टोमच के पेशीय भाग को क्या कहते हैं? तो उसे जिगार्ड कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, सुपर किस में पाया जाता है? तो यह नर मुर्गे में पाया जाता है। अगला है, वी शेप की मांसपेशियाँ कौन सी है? तो इसे डेल्टोडुक्स कहते हैं। और घोड़े के एक पैर में कार्पल बोन्स की संख्या कितनी होती है? तो घोड़े के अंदर कार्पल बोन्स की संख्या 7 होती है। अगला है, C7TH18L6S5CO16 22 कौन से प्राणी का कशेरुकी दंड सूत्र होता है? तो यह घोड़े का होता है।
और अगला क्वेश्चन है, कुत्ते में कितनी स्तन ग्रंथियां पाई जाती है? तो कुत्ते के अंदर 10 स्तन ग्रंथियां होती है। और अगला है, भैंस के प्रत्येक थन में कितनी थनाल होती है? तो एक होती है। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें प्लीज़ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भैंस के प्रत्येक थन में कितनी थनलान होती है? तो एक होती है। स्तन ग्रंथियों का नियमन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह अंडाशय पीयूष ग्रंथि और अधिवक्र ग्रंथियों के द्वारा किया जाता है। आरएमसी किस प्राणी में पाया जाता है? तो यह गोवंश के अंदर पाया जाता है। अगला है, अर्धक का आकार का दायां वक्र कौन से प्राणी में पाया जाता है? यह घोड़े के अंदर पाया जाता है। वक्र किस रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसे नेफ्रॉन कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, घोड़े में सबसे बड़ी लार ग्रंथियाँ कौन सी होती है? तो यह पैरोटॉइड ग्रंथि होती है। क्यूफर सेल्स कहाँ पाई जाती है? तो यह लीवर के अंदर पाई जाती है। शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी होती है? एब्डोमिनल कैविटी होती है। अगला है, पाचन तथा श्वसन में तंत्र में पाए जाने वाला समान मार्ग कौन सा है? तो यह फेरिंग्स होते हैं। और अगला क्वेश्चन, कौन से प्राणी के सींग कठोर होते हैं? बकरी के। कौन से प्राणी में पटेला अस्थि चतुष्कोणीय होती है? तो यह घोड़े के अंदर होती है। और अगला क्वेश्चन, त्रिकोणाकार आबटूरेटर फोरामेन किस प्राणी में पाया जाता है? यह कुत्ते के अंदर पाया जाता है। अगला है, गोवंश में एक अग्रपाद में कितनी कार्पल अस्थियाँ होती है? तो यह 6 होती है। अगला, शरीर के खनिज लवणों का भंडारण कहाँ होता है? तो यह कंकाल तंत्र के अंदर होता है। अगला, अंतकंकाल किस बहुनीय परत से बनता है? तो मिजोड्रम से बनता है। और अंतिम क्वेश्चन है, जीभ का आधार भाग में पाए जाने वाले वाली अस्थि कौन सी है? तो यह हाइआइड है। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे दोस्तों मैं जितने भी वीडियो बनाऊं उसका आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं पशुधन सहायक का काफ़ी वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।